तैयारी सुनियो ध्यान लगाए सबको रहे पहुंचाए अनुरुद्ध है बैठे बैठे सगरे कुंवर तमाम बताओ धीरे धीरे आज मंत्री जी कहां पे आए हैं जहाँ पर राजकुमार देवदत्त अनिरुद्ध बहुत से राजकुमार बैठे हुए हैं, कई गणराज के लोग एक जगह पर मिल गए तो वहीं पर आज मंत्री को खत लेकर के पूछ रहा है। महाराज की जय हो। बताओ मंत्री, किस लिए आना हुआ? महाराज बोलो, हम आपके लिए पत्र लेके आए हैं। किस चीज का पत्र है, क्या है इसमें? महाराज इसमें स्वयंवर का निमंत्रण है। किसके यहाँ से पत्र आया है ये? हाँ, ये वो महाराज जो दंडपाड़ी है ना, हाँ उनके वहाँ से। अच्छा, उनके यहाँ से पत्र आया है। जी महाराज, यानी गोपा का स्वयंवर है। हाँ हाँ महाराज, लाओ पत्र हमें लाओ। ठीक है, आ देखिए सभी को पत्र दे रहे हैं। बिल्कुल आएंगे। और सोचना देखी कि गोपा बीस सुंदरी, सभी राजकुमार देख करके बड़े हर्षित हो गए। अरे बीस सुंदरी गोपा, उसके स्वयंवर शाला में पहुंचना है। देवदत्त इधर सोच रहे हम भी जाएंगे, हम ही ब्याह करके लाएंगे। बीस सुंदरी गोपा, बीस सुंदरी तो मेरी घरवाली होनी चाहिए। ठीक है मंत्रीवार? जी महाराज। चलो मैं आएंगे स्वयंवर में। हाँ ठीक महाराज। और इधर सारे राजकुमार आपस में बातें कर रहे हैं। चलो भैया चलेंगे। हे भैया, हाँ गोपा का स्वयंवर है। कोई भी अपनी हवेली में बैठे हुए हैं, जब तक इधर मंत्री जो है पत्र लेकर के कपिलवस्तु नगरी राजा सुद्धोधन के वहां पहुंच गए। लगो भूपत दरबार सुनो नर नार सभी ये भाई, हर चिठिया लेके मंत्री रे पहुंच गयो है जाई। सुद्धोधन के दरबार में पहुंच करके अरे चरण में शीश झुकायो
को हाथ में राजा शुद्धोधन के मंत्री ने दिया। चिट्ठिया हाथ कहाई रहे मेरे लोगों, राजा शुद्धोधन को खत दिया और शुद्धोधन ने खत को देखा। ये स्वयंवर साला दंतपाड़ी तो मेरा जो निजी सचिव है उसकी बेटी यानी स्वयंवर साला की तैयारी कर रहे हैं। इधर राजा शुद्धोधन ने कहा ठीक है मंत्रीवर जी महाराज, शनिवार राजकुमार पहुंचेंगे तो मेरा भी बेटा जाएगा, हम भी स्वयंवर साला में बेटे को भेजेंगे। ठीक महाराज, ठीक है, तुम्हारा खबर जो है मुझे स्वीकार है, पत्र मैंने स्वीकार कर लिया है, अभी अपने बेटे सिद्धार्थ को बुलवा रहे हैं। ठीक महाराज। इधर राजा शुद्धोधन अपने बेटे सिद्धार्थ को बुलवाते हैं। बेटा लियो बुलाए कहीं समझाए सुनो नक मेरी, अर स्वयं पर साला जाने की ना बेटा करियो तेरी। देखिए बेटा, तुम्हें स्वयंवर साला जाना है और जब ये बात सुनी है, क्या पिताजी बता रहे स्वयंवर साला के बारे में? स्वयंवर साला का मतलब लड़की जो है कोई वो स्वयं पति को चुनेगी, तो वहां विवाह होगा। अरे पिताजी की बात सुन करके एकदम सिद्धार्थ कांत बैठ करके कहने लगे, पानी छुन के पिटिया पति थी सिद्धार्थ बगार मौना हुई जाए और चाय के बैठे हई एकांत में बात रहे सब जाए। आज सिद्धार्थ मौन हो गए एकांत बैठ करके, साथी हम ना करिए ऐसी बात नहीं फरमाए, हम जीवन साथी दिन हम रहिए ऐसे जीवन दिए बिताए। जब ये सिद्धार्थ गौतम करेंगे हम तो अपना जीवन ऐसे बिता देंगे, जीवन साथी नहीं करेंगे। राजा शुद्धोधन सुनकर के अपने बेटा सिद्धार्थ की बात को बड़ी दुखी होने लगे। भैया इतने सुन के बात भोपति मन में ये मन में दुखी भये, भोपति मन में दुखी भये, बेटा की बात भोप है मन में दुखी भये।
सिद्धार्थ गौतम ने कहा, पिताजी मैं विवाह स्वयंवर शाला में नहीं जाएंगे, हम जीवन साथी नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही अपना जीवन काटेंगे। आज सुद्धोधन ने बड़े प्यार से अपने बेटा को अपने पास बिठा ला, बेटा मेरी बात को सुनो, समझा करके कहने लगे, बेटा तुम ही मेरे एक जीवन सहारा हो, मेरी आंखों के तारा हो, घर में बहू नहीं होगी कौन मेरे जीवन के बुढ़ापा का कौन सहारा बनेगा। आज सर पे हाथ रख करके सुद्धोधन अपने बेटा को बड़े प्यार से समझाने लगे, ओ बेटा क्या समझा रहे हैं आज सुद्धोधन, भैया माइक, भैया वायरलेस माइक कहां है, सुद्धोधन अपने बेटा को समझा रहे हैं, मेरे लल्ला दुलरुआ हमार बेटा, मेरे बेटा दुलरुआ हमार, चले जाओ सोया पर को, घोड़ा तुम सजवाई लियो, माटी घोड़ा तुम सजवाई लियो, 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 ओ करकंद की पीठ सवार चले जसोया पर का, चलल्ला दुलरुआ हमारी चले जाओ स्वयं पर को, छंद का साथी तुम बुलावाई ले, तुम बुलावाई ले, तुम बुलावाई ले, लेके अपने साथ चले जाओ सोया पर का, अरे गोपा बहुआर घर जब आई है, गोपा बहुआर घर जब आई है, घर जब आई है बेटा, घर जब आई है, घर जब आई है बेटा, घर जब आई है, हुई है सेवा हमार चले जाओ सोया पर का, बेटा लल्ला दुलरुआ हमारी चले जाओ सोया पर को, पिता की
बेटा लल्ला दुलरुआ हमारे चले जा स्वयंवर को। और धम्मा सागर रचनाकारी, धम्मा सागर रचनाकारी, रचनाकारी भैया रचनाकारी, रचनाकारी भैया रचनाकारी, उनको के साथ चले जाओ स्वयंवर का। गुरुवर को लेके साथ चले जाओ स्वयंवर को। मेरे लल्ला दुलरुआ हमार चले जाओ स्वयंवर को। बेटा लल्ला दुलरुआ तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो। बहुत शिवरात्रि बी आर अम्बेडकर की अमर रहे। आज राजा शिद्धोधर ने अपने बेटा को समझाया तो सिद्धार्थ के बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर जब स्वयंवर साला नहीं जाएंगे तो मैं कायर कहे जाएंगे, निबल कहे जाएंगे, इसलिए हमें स्वयंवर साला जाना है। ठीक है पिताजी, मैं आपकी वचन को मानता हूँ। आज जो सिद्धार्थ है उस स्वयंवर साला की तैयारी कर देते हैं। इधर दंड पाड़ी जो है स्वयंवर साला सजवाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये पावन कथा आप लोग सुन रहे हैं। गोपा स्वयंवर भैया मोमबत्ती जला दो, अनिल जला दो, मोमबत्ती जला दो भैया, एक लीटर पानी पिला दो। महाराज दंडपाड़ी आज है, देखिए स्वयंवर साली की कैसी तैयारी होती है और कैसे एक गोपा स्वयंवर होता है, ये प्रसंग आप लोग देख रहे हैं। ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा डॉक्टर अनीश अग्गर की तरफ से ये दान हुआ है। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो। बैठे हुए हैं, मंत्री को बुलवा करके स्वयंवर साला की तैयारी करो, सजवाइए। और सजवाने लगे हैं। हाय तरे तरे बंधन पारी रे लग रही तंबू लगाते बढ़िया दिखाए।
जाए तैयार। राजा कुमार राजकुमार देवदत्त अनुरुद्ध सभी लोग वहां पहुंच गए स्वयंवर शाला की तैयारी में। अरे मंत्री, सारी कुर्सियों में नेम प्लेट लग गई है, कोई कुर्सी खाली तो नहीं रह गई? भाई है खाली, भी आने को लोग है ढोंगापुर के पोंगा राजा भी नहीं आए? वही तो रह गए, उनकी बड़ी वाली भाई हाथी पर चढ़ के आवत है ना, सबसे मोटे ताजे हैं, अतो तगड़े हैं। देखिए कोई छूट ना जाए, सबको आना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो स्वयं पति को अपने चुनेगी मन पसंद है। इसलिए जितने सूचना राजा महाराजा जितने बूढ़े जवान राजकुमार सभी हैं, सभी लोग आएंगे, क्योंकि एक राजा की दो दो चार चार भी रानियां होती थी। अब जिसको हो सकता है वो किसको चुन ले, चाहे वो बूढ़े को चुने चाहे जवान को चुने, स्वयंवर का मतलब है स्वयं पति को चुनना। आज इधर ढोंगापुर के पोंगा राजा और का भी हाथी चल दिया है, और बड़े मस्ती से घूमते भी आ रहे हैं।
बड़े खुशी हैं, हम जाएंगे, हम तो ब्याह जरूर करेंगे। तो क्या गाते हुए आ रहे हैं, हाथी पे सवार हैं। आज महातरिया, आज महातरिया बियाह हम करीबो, आज महातरिया दिनन में नंबर आयो, दिनन में बहुत दिनों के बाद यह नंबर लगा है। हर बहुत दिनन में नंबर आयो, दिनन में अरे आज महातरिया, ढांगापुर के पोंगा राजा का हाथी पहुंच चुका है। तो क्या बोले हैं ढांगापुर के पोंगा राजा? आज ढांगापुर के पोंगा राजा कहने लगे कि मिल जाए तो शादी कर ले, मिल जाए तो शादी कर ले।
प्रतापपुर का पोंगा राजा का हाथी स्वयंवर शाला के करीब पहुंचा है। तो इधर दंड बाड़ी ने कहा मंत्री महाराज राजा साहब को हाथी से उतार के लाइए। ठीक महाराज। जब को लागत बहुत बड़ा राजा हाथी भैया बैठा रहे हो है उतारो हाथी उतारो हाथी की बड़े खाने पीने की व्यवस्था सब लिया है ढोंगापुर के पोंगा राजा बात दिलाए। सही बात मंत्री। हाँ महाराज। राजा साहब को उठा करके गोद में उठा कर इधर बैठा दो भाई। यू इतना मोट राजा है का उठाए कैसे पहे कहीं दिक्कत में ना ना लाई कहीं चला करो महाराजा। सुनो मंत्री। हाँ बोलिए राजन। हमको जानते नहीं था आए? हमको जानती था हमको जानती था क्या राजा साहब जो तुमने भाषा में बात करते सुनो भाषा है हम बताती था आए? आधी जनानी आधी मर्दानी हम शादी के लिए आई थी था शादी करने के लिए आई थी था और शादी करूंगी करूंगा थी था। सुनो और ये तुम्हारे यहाँ शादी है हम आई थी था लेकिन ये मेरा सम्मान करती ये सम्मान है। आइए राजा साहब कुर्सी पर बैठिए। आ रहा हूँ आती हूँ आती था कुर्सी डालती था हाँ ए डालती था सीधा मुझे जानते नहीं मेरी भाषा चंद है बताती था तुझे हम कितना मानती था। अब महाराज या का खाए पिए वाली व्यवस्था है सुनाओ। हाँ हम बताती था अरे जानते हो देखो कौन पोथा कम राजन खाई देखो नजर मार देती था और हम सोचे शादी जाती था कई दिन लग जाए मान चलो बताते था तो राशन पानी सेतुआ नमक सब बांधे लाती था ये सब सामान है जेवर बस लाती था सुना और बिना शादी के हम जाती था ना और आधी मदद करती था और तुमको पैसों से माला माल करती था। मंत्री यहाँ स्वयंवर शाला विवाह की व्यवस्था है तो विवाह हमारा ही होना चाहिए। माला मेरे डालती था हाँ और तुमको माला माल करती था तो किधर कुर्सी पड़नी चाहिए किधर से आएगी विश्व सुंदरी। एक बात तो था हाँ किधर से आती था वो लोहड़िया अरे लड़की इधर से आती था तब इधर से डालो कुर्सी हमारी नीचे आगे कुर्सी डाल दो यहीं बैठेंगे यहीं आती था हाँ। अब बता देना तुम लोगों को छेना खिलाती था हलवाई लगाए हन इधर सभी राजकुमार इधर देवदत्त जो है ढोंगापुर के पोंगा राजा को देख करके उनका पसीना छूटने लगा। अरे क्या ये आगे बैठा का यही पहले जयमाला अपने डलवा लेगा और देवदत्त भी उठ करके आगे बढ़े कि चलो आगे कुर्सी डाल करके बैठेंगे पहले हमारे सामने किसी की औकात क्या है। और इधर सभी लोग लाइन से आगे बढ़ जाओ आगे आगे बढ़ो सभी लोग सभी लाइन से लगा आगे हाँ हाँ लाइन से लगा दो आगे आगे सब लाइन बराबर दूर कुर्सी डालते था हमारे आगे किसी की चलती नहीं। और इधर सभी लोग बैठे हैं अपनी अपनी धाक में किधर से भी शिशु सुंदरी आएगी हमारे जयमाला डाल देगी हमारे डाल देगी। इधर गोपा जो है स्वयंवर शाला की तैयारी से भवन से अपने चल देती है। धीरे धीरे गोपा चली भाई तेते भवन के निकट पावो है तेते चंद्र के निकट धीरे धीरे
पहुंच गई भैया स्वयंवर साला, पहुंच गई सब कुंवर रहे लल, चाही है सब कुंवर रहे लल। जिधर को जाती है सुरभराज कुमार अपना अपना मुंह लटका देते हैं, सभी भैया अपना अपना मुँह सभी भैया मैं सर खोजू, काली है भैया मैं सर खोजू काली है। पूरा स्वयंवर साला घूम लिया लेकिन मन के पति पर नहीं दिखाई पड़ा, तो गोपा ने क्या किया, स्वयंवर साला घूम लियो ना मन के मिले वर, तारे है ना मन के मिले वर। घूम गई भैया वापस महलो, घूम गई ना मन के मिले वर, तारे हैं ना मन के मिले वर। याद रहे मेरे लोगों, पूरा स्वयंवर साला घूम लिया लेकिन कोई मन पसंद का वर नहीं दिखाई पड़ा। इधर गोपा को देख करके ढंगापुर के पोंगा राजा बेचैन है, आगे इतनी सुंदर थी कर रहो कैसे बैठे देखो आज चली गई, बताओ ना माला डरती था और ना मेरे माला डरती, किसी के नहीं डाला हाँ, मर गए नाश हो जाए कौनी नहर में तुमका बोर दी चले हाँ। बढ़िया तैयारी कहते आ रहा है सब मिट्टी मिलाई दे, हम बताती था अब हम फांसी लगा लेती थी। ना, 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 लाओ, लाओ फांसी लगा ले। इधर ढंगापुर के पोंगा राजा देख करके बेचैन हो गए और क्या कहने लगे, सुनो राजकुमार, हाँ कहाँ गई वो कहाँ गई, हाई चली गई वो चली गई, पीस सुंदरी चली गई, कहाँ गई हाँ कहाँ गई, रूप दिखा कर चली गई, वो रूप दिखा कर चली गई, धड़कन देख गई ओ नैन चली चली गई, चली गई हाँ चली गई, मेरे दिल की धड़कन चली गई ओ नैन पटीली चली गई। आज है ढंगापुर के पोंगा राजा देख के बेचैन हो गए, आए कहाँ गई आए कहाँ गई आए कहाँ गई, इतनी सुंदर थी कितनी छल छवीली सुंदरता में आगर कहाँ चली गई, वा नयन कटाली टली टई, हम मर जाएंगे फांसी लगा ले, अब हम मरी नहीं जाए मर जाए थे। सुनो चली क्यों गई, काहे चली गई, अरे ये कुर्सी खाली रह गई, यहाँ आओ तुम्हारे तो काल हो पैदा हो गया पता नहीं कहाँ मर गई होती हो तुम, यहाँ
बात ही आओ यहाँ का बात है यार कुछ कमी है हम जाने देवा चली गई थी था हुक्म लेकिन थी था तुम कहाँ घर चले पूछाओ इधर देवदत्त अनिरुद्ध सभी लोग सोच रहे हैं चली गई तो किसी को वरमाला तो डाल नहीं गई और डालेगी तो मेरे डालेगी देवदत्त अपनी धाक लगाए लेकिन एक कुर्सी खाली रह गई वो पीछे कुर्सी खाली थी तो उसको ये शक हुई अभी कोई राजकुमार रह गया वो भी आ जाता तभी तो हो सकता वो कौन था एक बात सुनो सिद्धार्थ ही रह गया था हाँ वो सिद्धवा वो घर चला ना वो का तो कुछ नहीं जानती था इधर दंडपारी ने जब देखा कि बेटी मेरी वापस चली आई है तो मंत्री से कहने लगे दंडपारी सुनो मंत्रीवार तुमने किस प्रकार से सबको बुलावा दिया कुर्सी खाली क्यों रह गई क्या सिद्धार्थ को तुमने पत्र नहीं दिया था दंडपारी इधर दंडपारी कहते हैं कि सिद्धार्थ को सूचना नहीं थी चलो सभी लोग फिर से व्यवस्था करो सिद्धार्थ को भी बुलवा दीजिए सिद्धार्थ को भी आना चाहिए आज सभी लोग लाइन से बैठ रहे हैं और जब तक एक कुर्सी पीछे डाल दी जाती है आड़ में देवदत्त कहने लगे कुर्सी पीछे डालो ताकि सिद्धार्थ को देख ना पाए एक पीछे डाल दो घर के सभी लोग आगे बैठो सभी लोग आगे बैठ रहे हैं और इधर राजकुमार सिद्धार्थ की कुर्सी पीछे पड़ी हुई है गोपा दूसरी बार महलों से अपने सखियों के साथ सजदत के चल देती है अरे महल से फिर चली भाई है गोपा भैया रे सुनियो ध्यान लगाए लटकती जावे धतिया दबती पावत हो जाए सीता तो कुमार है आई के बैठे कुर्सी एक बढ़िया पिछार बैठे सिद्धार्थ जहां पर कुर्सी पीछे दिखाए देवदत्त ने सिद्धार्थ की कुर्सी पीछे डलवाई ताकि सिद्धार्थ को देख ना पाए हमारे ही वरमाला डाल दे घूमी रही है कुटिया कोना मिले बरतार हर नजर घुमाय दैया पीछे को जहां पर बैठे सितारा कुमार देखा जहां सिद्धार्थ पीछे बैठे हुए हैं आज गोपा जो है पीछे पहुंच गई सिद्धार्थ के पास जाई के पहुंची है अब गोपा जहां पर बैठे सिद्धार्थ कुमार है मंद मंद मुस्काना भरी है तो ये कुंवर के माला डारी राजकुमार के कने आज है माला तारी है तालियों से स्वागत करे माला तारी है कुंवर के माला तारी है सिद्धार्थ कुंवर के कने गोपाल माला तारी है
महाराज सिद्धार्थ के गले में माला डाल करके गोपा जो है वहां से सुंदरशाला से महलों की ओर चली जाती है। और इधर जो राजकुमार से सभी लोग विरोध करने लगे और देवदत्त कड़क भड़क में बोलने लगे, ये क्या हुआ महाराज? महाराज हाँ, सिद्धार्थ के गले में जयमाल, ये सरासर अन्याय है महाराज। अन्याय है, अन्याय महाराज। ये तुमने हमारा अपमान यहाँ बुलाकर किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा महाराज। तुम मरती था, सुन रहे महाराज? यही हो क्या करते रहे? ये शादी हमें मंजूर नहीं, सुन रहे महाराज? हमको कतई नहीं मंजूर थी था, हम पहले से जानते था। इधर सिद्धार्थ गौतम के वरवाल पड़ने से देवदत्त और क्रोधित हो रहे हैं और दंड पारी से कहने लगे, ये घोर अनर्थ घोर अन्याय हो गया है, एक कायर के गले में माला पड़ गई, न तो धनुष बाण चलाना जानता है, कायर है बैठा रहता है, मंद बुद्धि का है, तुम्हारा दामाद जो है मंद बुद्धि का तुमने दामाद बना लिया। आज दंड पारी कहने लगी, सुनो सभी राजकुमार हो, सिद्धार्थ जो है कायर है, धनुष बाण भी चलाना नहीं जानता है, कमजोर है, तो एक काम करो, बोलो बरमाला जो स्वयंवर होता है स्वयं पति को चुनना, उसने स्वयं पति को चुन लिया है, इसके तुम्हें विरोध कर रहे, तो एक काम करो, बताओ क्या क्या एक बात तुम लोग स्वीकार करोगे? बोलो। जैसे धनुष बाण में जो निपुण होगा उसी को मेरी बेटी वरित करे, तो इसके लिए मैं लक्ष्य भेद की परीक्षा रखेंगे। ये सर तुम्हारी मंजूर है, जो लक्ष्य भेद में जो निपुण होगा उसी को गोपा बलित करेगी। हमें मंजूर थी था। इधर देवदत्त कहने लगे, क्या मजे की बात, धनुष बाण में हम तो सबसे आगे निकलेंगे और राजकुमार तो सिद्धार्थ जो है उसने कभी धनुष बाण चलाया ही नहीं है, आपकी बात बन गई, चलो इस बात को स्वीकार करते हैं। आज लक्ष्य भेद की परीक्षा को सारे लोग तैयार हो गए, चलो बैठ जाओ लाइन से, एक लक्ष्य बना करके टांगा जाता है, इस लक्ष्य को जो भेदेगा उसी को गोपा अब की वर्णित करेगी। और लक्ष्य भेद की तैयारी में सभी राजकुमार लग गए। इधर लक्ष्य भेद में सिद्धार्थ कुमार भी बुलाए जाते हैं, भाई उनको भी लक्ष्य भेदना है, कौन इसमें निपुण होता है, और गोपा भी स्वयंवर शाला में मौजूद है। और देखिए लक्ष्य भेद की परीक्षा जारी हो गई, मंत्र बारी बारी से सभी लोगों से निशाना लगवाओ, जो ध्यान रहे जो इस लक्ष्य को भेद देगा हाँ। उसी को गोपा वर्णित करेगी, इस सर को शर्त मंजूर है, उठा भैया तुम राजकुमार उठो, चलो नंबर होता है, लगाओ निशाना, क्या पदार्थ है हाँ। अरे हम बड़े बूढ़े हैं हाँ। पहले हम का चलावे जो का पता हमारे भी हो जाए, तो तुम भौजी कहीं चल यहाँ हो, तुम है लगाइए पहले हाँ। चलो ढंगापुर के पोंगा राजे पहले लगाइए हाँ। चलो बड़ी मेहनत करके ढंगापुर पोंगा राजा आए हैं, नंबर होता है एक, नंबर होता है दो, नंबर होता है तीन, ये क्या है, ये तो पेट में लगा ले, का बता? अरे तो का है, बताती था दूसरे मारती था तो हम मरदाती था तो का तले था, तो ब्याह कौन कर, नंबर एक
नंबर 3। चला होइगो तुम्हारो बियाह। तुम मर गयो। चलो चलो बेटा, अब तुम्हारा नंबर आता है। आज जितने राजकुमार गए थे सभी लोग बारी बारी से निशाना साध रहे हैं। लगा नंबर होता है 1, नंबर होता है 2, नंबर होता है 3। चलो किनारे लगो, लाइन से लगे रहो। चलो तुम्हारा नंबर आता है। तुम रुकाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलो अनुरोध, तुम भी चलो। आप सभी लोग बारी बारी से लगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब रह गए देवता। देवदत्त तो समझ गए बारी मेरी है, अब हम तो नहीं चूकेंगे। देखिए देवदत्त का निशाना। नंबर 1, नंबर होता है 2, नंबर होता है 3। देवदत्त बोले उठाओ रे कुंवर टूट गो। आले देवदत्त कुल होई ए दे भैया बिहाव अस्पताल होय। अब दंड पारी का जो मंत्री है कहने लगे, अब हम काहे चुकी करता, हमें निशाना लगा जाए, हमारे माला पड़ जाए। छोना उठाओ, एक हाथ टूट गवा वाहे बटो वाह चला दे तुम। का निशाना लगाई वो? अच्छा ले लगा लगाई है लाल चाहे ना। हम कहता देखो का हम है भी आगे ले जाए। आओ ना मजे में हां कतनी बढ़िया। नंबर होता है 1, नंबर होता है 2, नंबर होता है 3। उठाओ। अब इधर देवदत्त खड़े हुए कहने लगे, अब तो बात बन गई, अब देखिए निशाना चूकेगा सिद्धार्थ का भी। उसको तो पता ही नहीं कैसे लगाया जाता है, वो का कुछ मालूम ही नहीं रहा है का जाने। अब भाई अब तो बरमाला हमारा जयमाला पड़ेगा। नहीं हमारे पड़ेगा। अरे मेरे पड़ेगा। अरे मेरे पड़ेगा। अब देखिए किसके पड़ता है, देखना हमारे पर। हाँ सिद्धार्थ को पता है, वो तो कायर आदमी, दंशवार कभी उठाया नहीं, न शिकार कभी जाता है। आज है सिद्धार्थ गौतम ने देखी बारी आती सिद्धार्थ गौतम की। अरे माता पिता को स्मरण करके करकस से लियो तीरन कारे ध्यान लगाए हो माता पिता को कर में लियो निशाना साध निशान कुंवर सितारत अपन तीनो माला डारे महत महत मुस्कान धरी है सितारत कुंवर की माला डारे जितने कुंवर भी बापे अठारे सगरे गए अपन घबराई देवदत्त अनवद पछताने उनने दीनी शोध लगाई संगर साला से सब भागे भैया सुनियो ध्यान लगाई सिद्धार्थ गौतम और गोपा अपने मन में बड़े हर्षित हो रहे हैं। आज कुमार के आज गले में माला डारी है भैया गोपा ने।